हेलो एवरीवन, कैसा काय। देखो, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में आइडिया होना ज़रूरी है। ठीक वैसे ही व्हाई यू शुड वॉच कॉम्पिटिटिव हब यूट्यूब लेक्चर। आपको कॉम्पिटिटिव हब का यूट्यूब लेक्चर क्यों देखना चाहिए, तो देखो मैं बहुत ही क्लियर टू द पॉइंट और कंसाइज वे में आपको बताने जा रहा हूँ। पॉइंट नंबर वन कि मैंने 2000 से 2023 तक के जेई या नीट में जितने भी क्वेश्चन आए उसका कंप्लीट एनालिसिस किया, तो मैंने क्या पाया कि मैं 3000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, बट कंसेप्ट जो था वो लिमिटेड था। ध्यान दे, कंसेप्ट वेरी लिमिटेड था। तो फिर मैंने क्या किया, एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर ओपन किया और उस चैप्टर पे बेस सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन को एनालिसिस किया। तो मैंने क्या पाया कि हर एक चैप्टर से मिनिमम 6 कंसेप्ट या मैक्सिमम 13 कंसेप्ट पे ये सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो उस कंसेप्ट को मैंने सेग्रीगेट किया, राइट। और फिर उस कंसेप्ट के लिए मैंने आपको इस यूट्यूब लेक्चर में बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि उस कंसेप्ट को मैंने बेस्ट वे में एक्सप्लेन किया है, डे टू डे लाइफ से कनेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि जो आंखों का देखा है वो ज़्यादा दिनों तक याद रहता है और कान का सुना तो आपको मालूम ही है, आज सुनो कल भूल जाओ। इसलिए डे टू डे लाइफ से कनेक्ट किया ताकि आपका दिमाग एक कदम आगे सोच पाए। और फिर उस कंसेप्ट को कैसे याद रखेंगे उसके लिए रफी सर ने बनाया ट्रिक्स, राइट, जिसको कुछ लोगों ने अफवाह कर दिया कि वो सिर्फ ट्रिक ट्रिक की बातें करते हैं, जबकि बेटा मैं किसकी बात करता हूँ, कंसेप्चुअल ट्रिक की। क्यों? क्योंकि ये करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। नाउ द पॉइंट इज कि मैंने उस कंसेप्ट को अपने ट्रिक से रिलेट किया। क्यों किया सर आपने ऐसा? ताकि आपको वो कंसेप्ट ईजिली याद रहे, आपकी सॉल्विंग फास्ट हो जाए, आपको एकदम एक्यूरेसी रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपको लगे केमिस्ट्री एंड क्वेश्चन वेरी इजी एंड आपका केमिस्ट्री में आ जाए इंटरेस्ट। इन 5 चीज़ों के लिए मैंने बनाया इस कंसेप्ट का ट्रिक, जिसको कनेक्ट किया डे टू डे लाइफ से ताकि आपकी आंखों का देखा हुआ आपको एकदम क्लियर रहे। नाउ मैंने फिर उस ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में वो भी इसी वीडियो लेक्चर में बता रखा हूँ, वाया प्रॉब्लम या फिर एग्जाम्पल देकर करके कि आप उस ट्रिक को अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ है तो आपको पहले समझ में आना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। तो मैंने प्रॉब्लम एंड एग्जाम्पल लेकर के हर एक ट्रिक को अच्छे से समझाने की कोशिश की है, राइट। और ये पूरा आपको केमिस्ट्री, होल केमिस्ट्री, ध्यान दें होल केमिस्ट्री आई एम गोइंग टू कंप्लीट इन 120 वीडियो लेक्चर। एवरेज ड्यूरेशन जो है उस वीडियो लेक्चर का वो 20 मिनट है, वेरी शॉर्ट है, राइट। तो 120 वीडियो लेक्चर मीन्स व्हाट? 4 मंथ। 4 मंथ में आपकी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी अगर आप डेली एक वीडियो लेक्चर देखते हैं, फिर उसका अच्छे से नोट्स बनाते हैं, फिर उसके एप्लीकेशन प्रॉब्लम को कर लेते हैं एंड सम ऑफ द क्वेश्चन को आप खुद से करते हैं, तो आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी कंप्लीट। और मेरा वादा है कि फिर आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपको केमिस्ट्री बहुत ईजी लगेगी। तो अगस्त से मैंने स्टार्ट किया है और नवंबर 2023 में आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस एम। तो कंपटेटिव हब का सीटी आपको देखना है, बात समझ में आ गई। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपने जो इतना केयरफुल्ली बातें सुना या मुझे देखा, ये क्यों? क्योंकि नाम ध्यान से देखो क्या है, रफ़ी अहमद, इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं है बेटा, इफेक्ट किसका है? इस वर्ड का, ER, इंजीनियर। अगर आप भी चाहते हो कि आपके नाम के आगे इंजीनियर या डॉक्टर वर्ड लगे, तो आपको भी रफ़ी सर की तरह मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कभी एक सास भी बहू थी वैसे ही एक टीचर भी स्टूडेंट था। तो मैंने जी तोड़ 2 साल मेहनत की, वैसे ही आपको करना है ताकि आप भी गर्व से अपने नाम के आगे इंजीनियर या डॉक्टर वर्ड लगा सको, राइट। आई हैव कंप्लीटेड माई बीटेक फ्रॉम NIT वारंगल इन 2017।
एंड टीचिंग एक्सपीरियंस जो है मेरे को वो 7 ईयर्स का होने जा रहा है। इसीलिए आप रखो अपना ऑन नोटिफिकेशन ताकि रफी सर को मिलता रहे मोटिवेशन। होप यू विल लाइक इट, शेयर इट विथ मैक्सिमम स्टूडेंट। थैंक यू।